आदिवासी कौन है? आदिवासी शब्द दो शब्द आदि और वासी से मिलकर बना है और इसका अर्थ होता है मूल निवासी। भारत की जनसंख्या का 8.6% हिस्सा यानी 10 करोड़ आबादी आदिवासियों की ही है। आदिवासी को जनजाति भी कहा जाता है और भारत में लगभग 461 जनजाति के लोग निवास करते हैं। भारत के प्रमुख आदिवासी समुदाय की बात करें तो इनमें गोंड, मुंडा, खड़िया, भील, संथाल, लोहरा, बिरहोर, पारधी, असुर, मीणा, उराव आदि शामिल हैं। दोस्तों, आदिवासी ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पारंपरिक संस्कृति को आज भी बचाए हुए हैं। ये अपने इतिहास से ही स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्रेमी रहे हैं। आदिवासी लोग ही हैं जिन्होंने देश में संस्कृति के बीज बोए। ये लोग प्रकृति को ही भगवान मानते हैं और इसकी ही पूजा करते हैं। इन सभी के बावजूद आदिवासी लोगों को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए लगातार संघर्ष करते रहना पड़ता है। भारतीय आदिवासी का इतिहास। दोस्तों, भारतीय आदिवासियों के अस्तित्व और इतिहास को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहते हैं। अधिकांश लोगों का यही दावा है कि भारतीय आदिवासी अफ्रीका से आकर यहाँ बसे थे, ये भारतीय नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमें करीब 4 अरब साल पीछे जाना होगा, क्योंकि पृथ्वी का गठन 4.5 बिलियन साल पहले हुआ था। लेकिन तब ये आग का गर्म गोला मात्र थी। पृथ्वी इतनी गर्म थी कि यहाँ जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती थी। फिर धीरे धीरे कई साल गुजरे और धरती नॉर्मल स्थिति में आई। तब जाकर 3.5 अरब साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। पहला सबूत। आपको बता दें कि धरती का सबसे पुराना उपमहाद्वीप कोई और नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप है। शायद आपको सुनकर हैरानी हो, लेकिन धरती पर जीवन होने का सबसे पुराना सबूत भी भारत में ही मिलता है। वैज्ञानिकों ने मध्य भारत में एक लाल शैवाल की खोज की है जो 1.6 अरब साल पुराना जीवाश्म है। इसे मध्य प्रदेश के चित्रकूट में एक चट्टान की तलहटी में खोजा गया है। माना जा रहा है कि ये धरती पर मौजूद पौधों के रूप में जीवन का सबसे पुराना सबूत है। इसके मिलने से ये समझा जा रहा है कि आधुनिक बहुकोशिकीय जीवन पूर्व की सोच से बहुत पहले ही पनप चुका था। वैज्ञानिकों का कहना है कि बहुत छोटे इन बहुकोशिकीय जीवाश्मों में एक तो धागे जैसा दिखता है जबकि दूसरा गोल बल्ब जैसा। खोजकर्ताओं का मानना है कि ये जीवाश्म जिस समय के हैं उस वक्त पृथ्वी की सतह लगभग बंजर थी। तब जीवन तो था लेकिन काफी सूक्ष्म रूप में मौजूद था। उस वक्त आज के मुकाबले वातावरण में केवल 1 से 10% ही ऑक्सीजन मौजूद थी। आपको बता दें कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति में पौधों की विशेष और बड़ी भूमिका रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि प्रकाश संश्लेषण के वक्त यानी फोटोसिंथेसिस के वक्त पौधे सूरज की रोशनी को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और इसी प्रक्रिया में ऑक्सीजन भी तैयार होती है। इस तरह से पौधे के अस्तित्व में आने से ही पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को तैयार करने में मदद मिलती है। इस सबूत के मिलने से ये साबित होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप वो जगह है जहाँ 1.6 अरब साल पहले जीवन ने सांस लेना शुरू किया था। लेकिन वहीं अधिकांश जानकारों का मानना है कि इंसान की उत्पत्ति भारत में नहीं बल्कि अफ्रीका देश में हुई थी। कहते हैं कि अफ्रीका की जमीन से ही करीब 70 लाख साल पहले इंसान धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गए। इसका मतलब है कि भारतीय उपमहाद्वीप के आदिवासी लोग भारत के नहीं हैं, बल्कि वो अफ्रीका से आए हैं। ये अफ्रीका से यहाँ आकर बसे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी जीव की उत्पत्ति लगभग 60 से 20 लाख साल पहले हुई थी और उस इंसानी जीव को आदि मानव कहा जाता था। ये वानर जैसे ऐसे जीव थे जो 2 पैरों पर चलते थे। दोस्तों, प्राचीन मानव के अवशेष अफ्रीका और एशिया उपमहाद्वीप के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अफ्रीका से प्राप्त अवशेषों को एस्ट्रोलोफिथिकस कहते हैं और चीन में मिले अवशेषों को सिनेंथ्रोफस के नाम से जानते हैं। वहीं जावा से प्राप्त अवशेषों को पिथेकैंथ्रोफस कहते हैं। इसके अलावा विभाजित भारत के शिवालिक पहाड़ियों से प्राप्त अवशेषों को सिवापिथिकस कहा जाता है। सिवापिथिकस की बात करें तो ये 55 से 15 लाख साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप पर निवास करते थे, लेकिन असल मायने में वास्तविक इंसान होमो हैबिलिस
स्पिरिट्स माने जाते हैं जो पूरी तरह से इंसान अर्थात मनुष्य थे, यानी उनका दिमाग काफी तेज था। इनके खोपड़ी और मस्तिष्क के आकार से पता चलता है कि ये बोलने में भी सक्षम थे। होमो हैबिलिस को हैंडीमैन के रूप में जाना जाता है क्योंकि वो उपकरण बनाने और उन्हें इस्तेमाल करने वाले पहले इंसान थे। ये करीब 5 फीट लंबे और सीधे थे। होमो हैबिलिस के समय काल की बात करें तो ये 25 लाख साल से 20 लाख साल पहले रहा करते थे। इनके अवशेष अफ्रीका के अलावा एशिया उपमहाद्वीप के अलग अलग स्थानों में प्राप्त हुए हैं। इनके बाद बारी आती है होमो इरेक्टस की। इनका शरीर बिल्कुल सीधा और चेहरा छोटा लेकिन लंबा था। इनका एक बड़ा मस्तिष्क था। होमो इरेक्टस अच्छे औजार बनाना और उनका सही उपयोग करना बखूबी जानते थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का आविष्कार किया और उस पर काबू पाना सीखा। आपको बता दें कि आग की खोज मानव इतिहास के सबसे बड़ी खोजों में से एक मानी जाती है। होमो इरेक्टस मांसाहारी थे। ये गुफाओं में परिवार बनाकर रहते थे। होमो इरेक्टस अफ्रीका, एशिया और यूरोप महाद्वीप में निवास करते थे। इनका समय काल 19 लाख से 5 लाख साल पहले था। इसके बाद तीसरी मानव प्रजाति का जन्म हुआ, होमो सेपियंस। इसके दो प्रकार हैं। पहला होमो सेपियंस नियंद्रटल्स। इस तरह के मानव आकार में विशाल थे। इनके मस्तिष्क का आकार आधुनिक मनुष्य से बड़ा था। ये बेहद शक्तिशाली और मांसाहारी थे। इनके समय से प्राप्त औजारों से पता चलता है कि ये काफी खतरनाक शिकारी थे। इस प्रजाति के जीव परिवार बनाकर गुफाओं में रहना पसंद करते थे। दूसरा होमो सेपियंस सेपियंस, आधुनिक मनुष्य, इसी प्रजाति के मानव को कहा जाता है। ये होमो सेपियंस नियंद्रटाल्स की तुलना में आकार में छोटे थे। अपने पूर्वजों की तुलना में इनका मस्तिष्क भी छोटा था। समय के साथ साथ इनके जबड़े, खोपड़ी और ठुड्डी की गोलाई में कमी आई। इनका समय 8 लाख से 3 लाख साल पहले तक का माना जाता है। इनके अवशेष फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, मध्य एशिया, भारत, चीन और जापान सहित 100 से अधिक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। आधुनिक मानव के सबसे नजदीकी पूर्वज होमो सेपियंस सेपियंस ही माने जाते हैं। इनका समय काल 1 लाख से 15 हजार साल पहले का है। दोस्तों, जैसा कि सबसे अधिक मानव जीवाश्म अफ्रीका में प्राप्त हुए हैं, इसलिए ये मान लिया गया है कि इंसानों की उत्पत्ति भी वहीं से हुई है। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत सहित एशिया के कई भागों में मानव अवशेषों के मिलने से ये धारणा पूरी तरह से बदल चुकी है। दूसरा सबूत, अगर हम भारत उपमहाद्वीप में मिले सबूतों को देखते हैं तो पता चलता है कि झारखंड और राजस्थान के जीवाश्म लगभग 14 करोड़ से 6 करोड़ साल पुराने हैं। बता दें कि 60 से 20 लाख साल पहले शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं में शिवा पिथिकस रहा करते थे। भारत के नर्मदा क्षेत्र हथनौरा से प्राप्त मादा मानव खोपड़ी होमो इरेक्टस या होमो सेपियंस की मानी जा रही है। ये 5 से 3 लाख साल पुरानी है। तीसरा सबूत तमिलनाडु में चेन्नई के पास अतिरम्बकम में मिला है। यहाँ से जो उपकरण मिले हैं वो भारत ही नहीं बल्कि मानव इतिहास के लिए काफी खास हैं। यहाँ से प्राप्त मानव अवशेष और औजार 3 से 1,60,000 साल पुराने बताए जा रहे हैं। यहाँ से मिली खोपड़ी एक 5 साल के बच्चे लेटराइट बेबी की है। दोस्तों, इसकी पहचान होमो सेपियंस के रूप में की गई है। नर्मदा, दामोदर, राजमहल और गोदावरी राजकृष्णा में 3 लाख साल से लेकर 50,000 साल पहले तक के मानव जीवाश्म, जानवरों की हड्डियां, पत्थरों के बने औजार, गुफा और शैल चित्र मिलते हैं। वहीं भीम बेटका की गुफाएं और शैल चित्र 50,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। चौथा सबूत, भीमबेटका में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म खोज निकाला है। ये करीब 57 करोड़ साल पुराना है। इसका नाम डिकनसोनिया है और देश में पहली बार इस जानवर का जीवाश्म प्राप्त हुआ है। जानकारी के मुताबिक डिकनसोनिया के जीवाश्म 4 फीट तक बढ़ सकते हैं और भीमबेटका में मिला जीवाश्म 17 इंच लंबा है। दोस्तों, इस तरह भारत में दुनिया के सबसे पुराने जानवर के जीवाश्म मिलने से पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। आपको बता दें कि भारत, चीन और जावा से प्राप्त मानव जीवाश्म सिनेंथ्रोफस, पिथेकैंथ्रोफस और शिवोपैथिकस से ये प्रमाणित होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के आदिवासी अफ्रीका से नहीं आए थे।
उनका जन्म यहीं हुआ था और विकास भी यहीं हुआ था। बाद में ये अफ्रीका सहित अन्य देशों में चले गए। इसी के साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकारों के एक बड़े समूह का ये मानना है कि भारतीय उपमहाद्वीपों में मानवों के पूर्वजों का जन्म और विकास हुआ और यहीं से ये पूरी दुनिया में फैल गए। इस अवधारणा के तीन और मुख्य आधार हैं, जिनमें से पहला है जलवायु परिवर्तन, दूसरा जीन वंश परंपरा और तीसरा है भाषा। सबसे ज्यादा संभावना यह है कि मातृक जीन पूरी तरह से भारतीय हैं और जेनेटिक वंश परंपरा का हैप्लोग्रुप L1, L1, L2, L3, MN सभी का जन्म भारत में ही हुआ था। जेनेटिक इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि मातृक डीएनए L0 और L1 वंश का प्रवास अफ्रीका में 130,000 साल पहले हुआ था, जहां इन्होंने विलुप्त हो चुके पूर्वजों के साथ मिलकर एक ऐसी नई प्रजाति के रूप में जन्म दिया जो बाद में एक नई नस्ल के रूप में विकसित हुई। इस तरह नर्मदा वुमेन, लिटरेट बेबी और रोडेशियन मैन अफ्रीका थ्योरी को एक बड़ी चुनौती देते नजर आते हैं। अगर हम मौजूदा प्रमाणों पर विचार करते हैं तो पता चलता है कि भारत में पुरातन आधुनिक मनुष्य कम से कम 3 लाख साल पहले निवास करते थे, जिनमें से कुछ भारत के नर्मदा से लेकर राजमहल तक रहते थे तो कुछ दक्षिण भारत से श्रीलंका तक फैले थे। गौर करने वाली बात है कि तथाकथित रोडेशियन मैन की खोपड़ी में जो अनोखी चीज मिली है वो अन्य पुरानी अफ्रीकी खोपड़ियों में मौजूद नहीं है, लेकिन नर्मदा वुमेन की खोपड़ी और सभी आधुनिक मनुष्यों में उपस्थित है। इसलिए ये पूरी पूरी संभावना है कि इंसानी प्रजाति भारत से लगभग 1,60,000 साल पहले अफ्रीका के जाम्बिया चली गई थी। इसके बाद करीब 85,000 साल पहले के आसपास भारतीय मानव का एक और समूह MN के विभाजन से पहले L0 का L0A, L0K, L0D, L1, L2, L3 अफ्रीका में ट्रांसफर हो गया, जो साउथ ईस्ट एशिया की ओर चला गया, जबकि इनमें से कुछ दक्षिणी चीन में जा पहुंचे। इसके अलावा 74,000 साल पहले माउंट टोबा विस्फोट हुआ। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का कहना है कि ये विस्फोट उस समय हुआ था जब आदि मानव एशिया के तमाम इलाकों में फैल रहे थे। इससे भारत के पर्यावरण में काफी बड़ा बदलाव हुआ। भयंकर ठंड पड़ने से L0, L1, L2, L3 की भारत में मौत हो गई, जबकि अफ्रीका में वो जिंदा बचे थे। माना जाता है कि उस वक्त भारत में केवल 1,000 लोग ही जिंदा बचे थे। बाद में जब भारतीय उपमहाद्वीप का वातावरण रहने लायक हुआ तो भारतीय आदिवासी न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में चले गए। वहीं कुछ लोग साउथ ईस्ट एशिया से पूर्व और नॉर्थ ईस्ट एशिया में फिर से वापस लौट आए। आपको बता दें कि भारत के आदिवासी समुदाय जैसे मुंडा, संथाल, खड़िया, उराव, असुल, भील सभी का पैतृक जीन M9502A एक ही वंश परंपरा का है। इसके अलावा ऑस्ट्रोएस्ट्रियास्टिक की मुंडा, संथाल, खड़िया आदि भाषाएं 70,000 साल पुरानी हैं, जबकि ग्रेट अंडमानी निकोबारी भाषाएं 65,000 साल पुरानी हैं। खासी भाषा 57,000 साल पुरानी है। इन सभी शोध और तथ्यों से साबित होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप ही इंसानी विकास का मूल केंद्र है। यहीं से मानव इतिहास की शुरुआत हुई और इसी लिहाज से साबित होता है कि भारतीय आदिवासी का इतिहास कम से कम 3 लाख साल पुराना है। भारतीय आदिवासी ही दुनिया के पहले और मूल नागरिक हैं।